अज़ब्लिम शेतवानजीम बसम असल स्टूडेंट्स आज हम चैप्टर टू स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम ठीक है आपने साइंटिफिक नॉलेज इज़ इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी हाउ साइंटिफिक नॉलेज इज़ ड्राइव फ्राम एंड एक्सपेरिमेंट्स इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि किस तरह साइंटिफिक नॉलेज ड्राइव होता है ऑब्जर्वेशन से और एक्सपेरिमेंट से ठीक है हम डेटा ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे और अनालसिसिस के बारे में भी पढ़ेंगे सो so, जो टू पॉइंट वन है हमारा टॉपिक है सब टॉपिक वो है बायोलॉजिकल मेथड। बायोलॉजिकल मेथड होता क्या है ठीक है बायोलॉजिस्ट किसी चीज पर रिसर्च करते हैं तो वो जिन स्टेप्स को फॉलो करते हैं ठीक है उस रिसर्च में जिन स्टेप्स को फॉलो करते हुए करते हैं उन स्टेप्स को हम बोलते हैं बायोलॉजिकल मेथड ठीक है अब हम स्टार्ट करते हैं अ साइंटिफिक वर्क और रिसर्च आर साइंटिस्ट स्पेसिफिक स्टेप्स कोई भी साइंटिफिक वर्क या सर्च रिसर्च के लिए साइंटिस्ट जो स्पेसिफिक स्टेप्स को फॉलो करते हैं उन स्टेप्स को हम बोलते हैं कि हमारे पास क्या है साइंटिफिक मेथड है और बायोलॉजिकल रिसर्च में उन स्टेप्स को बायोलॉजिकल मेथड कहा जाता है साइंटिफिक रिसर्च में साइंटिफिक मेथड, बायोलॉजिकल रिसर्च में बायोलॉजिकल मेथड बियोलॉजिस्ट डू रिसर्च बाय अडॉप्टिंग अ बियोलिकल मैथड एंड सॉल्व द क्वेश्चन और प्रॉब्लम रिलेटेड टू अ लिविंग ऑर्गेनिजम ठीक है बियोलस्ट क्या करते हैं वो जो रिसर्च जिस चीज़ के ऊपर रिसर्च कर रहे थे वो रिसर्च कुछ भी हो सकता है या तो वो रिसर्च उनके दिमाग में खुद ब खुद आ जाती है या किसी चीज़ को ऑब्जर्व करके वो उसके ऊपर रिसर्च करते हैं अब सबसे पहले जो इसके मैथड्स हैं वो कौन से हैं रिकॉगनीशन ऑफ अ प्रॉब्लम सबसे पहले बियोलजिकल प्रॉब्लम को कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं उसके बाद उसकी ऑब्जर्वेशन फिर हाइपोथेसिस फिर उसका डिडक्शन एंड देन उसके बाद हम उसका एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं एंड देन जब ये सारे स्टेप्स हो जाते हैं फिर हम उसके बाद उसके जो रिजल्ट होते हैं उसको समराइज करते हैं आज हम पहले तीन ही पढ़ेंगे ठीक है जो फर्स्ट फैन है वो है रिकॉग्निशन ऑफ अ बियोजिकल प्रॉब्लम बियोजिकल प्रॉब्लम को कैसे रिकॉग्नाइज किया जाता है अब बियोलजिकल प्रॉब्लम इज़ अ क्वेश्चन रिलेटेड टू लिविंग ऑर्गेनिज्म बियोजिकल प्रॉब्लम हमारे पास कोई भी क्वेश्चन हो सकता है जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म किसी भी जानदार से रिलेटेड हो सकता है बियोलॉजिकल प्रॉब्लम इज आदर आस बाय समन और कम इन अ माइंड बाय हिमसेल्फ अब बियोलॉजिकल प्रॉब्लम या तो साइंटिस्ट के दिमाग में खुद ब खुद आ जाता है या फिर कोई दूसरा बंदा उनको बोलता है कि आप इस चीज़ के बारे में रिसर्च करें तो फिर वो रिसर्च करते हैं तो इस तरह हमारे पास कोई भी बियोलॉजिकल प्रॉब्लम आती है देन जब फर्स्ट स्टेप हमारे पास हो जाता है तो हम ऑब्ज़र्वेशंस पर जाते हैं ठीक है आपको एक चीज़ के बारे में पता चल गया कि आपको ये चीज़ दी गई आप इसके ऊपर रिसर्च करें तो रिसर्च के जब आपको प्रोसेस हो गया आप उसके बाद उस चीज़ को ऑब्जर्व करेंगे तो ऑब्जर्वेशन कैसे होगी बायोलॉजिस्ट मेक ऑब्जर्वेशन अबाउट द बायोलॉजिकल प्रॉब्लम बायोलॉजिस्ट क्या करते हैं वो जो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है उसके बारे में ऑब्जर्व करते हैं ठीक है इसके फाइव सेंसेस होते हैं ठीक है इधर नहीं लिखे हुए वो होते हैं विजन टेस्ट टच, स्मेल ठीक है हेयरिंग वो कुछ भी हो सकता है आप उसको अगर टेस्ट करने वाला होगा तो आप टेस्ट करके बताओगे अगर टच वाला होगा तो आप टच करके बताओगे हेयरिंग का होगा तो आप सुन के बताओगे ठीक है देखने का होगा तो आप देख के बताओगे ठीक है ये फाइव ऑब्जर्वेशन होती हैं ही ऑल्सो रीड द स्टडीज़ द प्रीवियस रिसर्च ऑन द सेम और रिलेटेड प्रॉब्लम अच्छा जो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है वो नई भी हो सकती है और पुरानी भी हो सकती है मतलब कोई और साइंटिस्ट ने किसी प्रॉब्लम को लेके कर गया हो लेकिन वो ना लेके गया हो तो दूसरा साइंटिस्ट उसी की ही रिसर्च को आगे लेके जाता है तो ये लिखा हुआ है कि फाइव सेंसेस यूज़ होते हैं और दूसरा वो जो प्रॉब्लम होती है अगर वो किसी पिछले साइंटिस्ट की आप वही प्रॉब्लम लेके जा रहे होते हो तो जो उसने रिसर्च उसके बारे में की होती है जो उसकी ऑब्जर्वेशंस की होती हैं तो साइंटिस्ट ये होते हैं पिछली ऑब्जर्वेशंस को भी पढ़ते हैं ताकि उनको उससे भी कोई थोड़ी बहुत हेल्प मिल सके इसके बाद हमारे पास आ जाता है हाइपोथेसिस हाइपोथेसिस हमारे पास इंपॉर्टेंट स्टेप्स है ठीक है बच्चों इसलिए आपने इसको और से सुना है वन बायोलॉजिस्ट हैज़ ऑर्गेनाइज द ऑब्जर्वेशन ही थिंक्स ओवर दैम ठीक है जब भी कोई बायोलॉजिस्ट ऑब्जर्वेशन बनाता है ठीक है तो वो क्या करता है उसके बारे में सोचता है ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्वेशन के बेस के बारे में सोचता है ही डेवलप अ स्टेटमेंट और फिर एक स्टेटमेंट बनाता है कि मे प्रूव द आंसर ऑफ अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम ठीक है बायोलॉजिकल प्रॉब्लम का वो आंसर निकालता है ठीक है ये जो टेंटेटिव आंसर होता है ना किसी भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम का इसको हम क्या बोलते हैं हाइपोथेसिस बोलते हैं कि पहले पहले आप बायोलॉजिकल मैथड लेते हो कोई भी प्रॉब्लम लेते हो फिर उसकी आप ऑब्जर्वेशन निकालते हो ऑब्जर्वेशन जब आप उसके ले लेते हो उसके बाद उस ऑब्जर्वेशन के बेस को आप चेक करते हो कि इसका आंसर ठीक है इसका जो टेंटेटिव आंसर होगा ना उस प्रॉब्लम का उसको हम बोलते हैं कि हमारे पास क्या है हाइपोथेसिस होता है ठीक है ब्योलॉजिस्ट मेक अ हाइपोथेसिस फॉर अ सिंगल प्रॉब्लम ब्योलॉजिस्ट क्या होता है किसी एक प्रॉब्लम के लिए ना हाइपोथेसिस बनाते हैं हाइपोथेसिस की जो करेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो हमारे पास दी हुई है इट इज़ प्रपोज्ड स्टेटमेंट टू आंसर द प्रॉब्लम ये एक ऐसी स्टेटमेंट होनी चाहिए ना कि हमारा जो इससे हाइपोसिस की स्टेटमेंट एक ऐसी होनी चाहिए ना जिससे हमारा जो ऑब्जर्वेशन है ना वो प्रूव हो सके इट ऑलवेज मेच अवेलेबल ऑब्जर्वेशन हमारी स्टेटमेंट ऐसी होनी चाहिए जो कि हमारी ऑब्जर्वेशन के साथ मैच कर सके मतलब हाइपोसिस है, में हम ही बनाए जैसे कि हमारी ऑब्जर्वेशन में लिखा हो दोनों का लिंक हो इट कैन बी टेस्टेड थ्रू एक्सपेरिमेंट हमारा हाइपोसिस ऐसा होना चाहिए कि अगर हम उसको टेस्ट करें ठीक है एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू टेस्ट करें तो तब तो तो वो प्रूव हो जाए ट्रू हो जाए देर इज़ ऑलवेज टू बी डिसूव द हैपोसिस ठीक है आपका हैपोसिस गलत भी हो सकता है ठीक है हाइपोसिस मैंने आपको बोला कि मेन स्टेप है हाइपॉसिस आपका गलत भी हो सकता है तो पहले आप जदोजहद साइंटिस्ट करते हैं कि उन इतनी मेहनत करते हैं कि उनका हैपोसिस गलत नहीं हो ठीक है सो so, uh, आपको मुझे उम्मीद है यहाँ तक समझ आई होगी अगर आपको इसमें से कुछ समझ नहीं आया तो आप मुझे कमेंट में uh, कामेंट कर सकते हैं मैं फिर आपको बता दूँगी थैंक यू और जो फर्दर लेक्चर है वो बाकी जो हमारे पॉइंट्स रह जाते हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे हाफिज़